हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने एक नई जल नीति यानी न्यू वाटर पॉलिसी के लिए मिहिर शाह कमेटी को बनाने का फैसला किया है। हमारे आज के डीएनएस में हम जानेंगे कि क्या है नई जल नीति व मिहिर शाह कमेटी को बनाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। भारत व दुनिया के तमाम देशों में गहराते जल संकट से निपटने व लोगों में जल संसाधनों व इनके समुचित प्रयोग को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय को एक नई जल नीति की आवश्यकता महसूस हुई है। इस कमेटी में कुल 10 सदस्य होंगे जिनका नेतृत्व मिहिर शाह करेंगे, जो कि योजना आयोग के पूर्व सदस्य व जल संसाधनों के कुशल जानकार हैं। उम्मीद है कि यह कमेटी अगले 6 महीनों में एक नई सोच के साथ अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले सन 2012 में जल नीति लागू की गई थी, जो अभी तक कार्यरत है। गौरतलब है कि भारत में पहली जल नीति वर्ष 1987 में अपनाई गई थी, जिसे 2002 और 2012 में संशोधित किया गया था। भारत में दुनिया की लगभग 18% आबादी निवास करती है, जबकि भारत में दुनिया का केवल 4% जल संसाधन है। ऐसे में जल संसाधनों के ऊपर जनसंख्या का दबाव जायज है। लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण उन्हें इन संसाधनों के समुचित प्रयोग की जानकारी नहीं है, जिससे जल संसाधनों की बर्बादी व प्रदूषण लाजमी है। आइए अब जानते हैं कि क्या होती है वाटर पॉलिसी या जल नीति। दरअसल जल नीति के माध्यम से देश में एक सूचनाओं का नेटवर्क बनाया जाता है, जिसमें जल संसाधनों के पूरे डेटा को एकत्रित किया जाता है। फिर इस डेटा को एनालाइज यानी विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके उपयोग के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। इन नीतियों में जल के समुचित उपयोग, उनकी रिसाइकलिंग, उन्हें प्रदूषण से बचाने के उपाय, पेयजल की जरूरत, सिंचाई के लिए जल, नौ परिवहन व उद्योगों आदि के जल की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। 2012 की जल नीति में समन्वित उपयोग के लिए नदियों के बेसिन पर जोर दिया गया था तथा यह भी सुझाया गया था कि नदियों के जल के एक निश्चित भाग को हमेशा बहने दिया जाए ताकि उस क्षेत्र की पर्यावरणीय जरूरतें पूरी हो सकें। 2012 की जल नीति में स्वच्छ पेयजल पर भी जोर दिया गया था। गौरतलब है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कारकों की वजह से जल संकट के और ज्यादा गहराने के आसार हैं। इसीलिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC के द्वारा चलाए गए 8 मिशनों में नेशनल वाटर मिशन यानी राष्ट्रीय जल मिशन भी शामिल है। हाल ही में जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से नेशनल वाटर मिशन अवार्ड्स भी दिए गए, जिनका उद्देश्य लोगों के बीच जल संरक्षण को प्रोत्साहन देना है। मंत्रालय ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की बात भी कही है।